गाइस वेलकम बैक, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा मौसम अच्छा है और यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा था। आप लोग तो शायद देख नहीं पाए, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, बस ऐसे ही कैमरा लेकर के ऐसे टहल रहा हूँ। और आप लोग देख लो क्या क्या देख सकते हो। अब ये हमारा गार्डन है, आप देख सकते हो, और हमारा घर ये है पुराना सा, आप देख सकते हो। और मैं जा रहा हूँ अपनी खेती की तरफ और वहाँ पे आप लोगों को फसल दिखाता हूँ कि कैसा है। अभी फसल काटने का सीज़न है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो शायद नहीं दिखेगा, यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड। बारिश का मौसम ख़त्म हो गया तो अभी बहुत आप देख सकते हो, आप आदमी लोग फसल कटाई कर रहे हैं। मैं वहाँ पे शायद जा नहीं सकता हूँ, आज यहाँ पे हार्वेस्ट हो गया। और मणिपुर का आप पहाड़ देख सकते हैं, इतना शायद अभी थोड़ा अंधेरा आ रहा है, कोई नहीं, मैं थोड़ा शाम को आया हूँ तो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। शायद मैं इसको थोड़ा क्वालिटी अच्छा कर दूँ, एक मिनट। चलो यहाँ पे अभी बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत पानी आएगा। ये नाला है, ये वाटर कैनल है। यहाँ पे कैनल तो पहले बनाया था, अभी टूट चुका है, तो अभी हम लोग को यहाँ से लगता है। ये वाटर उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो चलो यार, मैं घूमने आया था और आप लोग शायद माँ को देख नहीं सकते, वहाँ पे खड़ी है, अगर देख सकते तो देख लो, वहाँ पे खड़ी है और यही है हम लोग का। तो गाइस एंजॉय द व्यू राइट। और मैं दिखा तो कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, और बस यही चीज़ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे तक आप यही है। ये पानी, ये नाला इस तरफ जाता है एक, और इस तरफ जाता है एक कैनल है। ये छोटे छोटे कैनल है जो आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे कैनल है जो यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है। अभी पानी नहीं है क्योंकि अभी पानी का सीज़न ख़त्म हो गया, तो इसलिए अभी पानी नहीं आएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा ये है। यहाँ पे मैंने बहुत गुजारा है अपने टाइम, लगभग 10-15 साल तो इसी जगह पर डे नाइट हम लोग खेलते थे, घूमते थे और यही फसल काटते हुए। यहाँ पे बहुत काम किया है, लेकिन अभी जो हैबिट है वो बदल चुका है, ठीक है, वो बदल चुका है। और नहीं, ऐसा होता है ना कि हैबिट तो आता रहता है, जाते रहता है, तो इसलिए अब मैं हमारा ज़मीन की तरफ जाता हूँ। ये है हमारा ज़मीन, यहाँ से शुरू होता है और माँ उधर काट रही है कुछ, तो मैं माँ के सामने जा रहा हूँ। और ये धान पक गया है, पैड़ी पूरा पक गया, और इसका शायद कल या परसों हम लोग भी इसको काट लेंगे, और काट के इसको शायद संडे विद इन 3-4 डेज ऑफ टाइम वी विल हार्वेस्ट दिस एज वेल। ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और कोई स्नेक ना मिल जाए मुझे, क्योंकि यहाँ पे स्नेक डर रहता है। तो मैं बहुत साल हो गया मैं खेती में आया नहीं हूँ, तो अभी आया हूँ, आज ही आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सब, बहुत बारिश हो रहा था बहुत दिन से, जब से मैं आया तब से बारिश था, लेकिन अभी बारिश रुक गया है, इसलिए जो खेती का काम है वो चालू हो गया। तो यही है, देखो आप देख सकते हो ये चीज़ है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये इतना बड़ा एग्रीकल्चर सप्लाई वगैरह नहीं होता है आउटसाइड, क्योंकि मणिपुर इज़ अ स्मॉल स्टेट वेयर वी ओनली मैनेज, क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ अपना घर के लिए खाने के लिए सिर्फ फसल उगाते हैं, और उससे ज़्यादा होता भी नहीं है यहाँ पर, इतना होता भी नहीं है क्योंकि ये बड़ा लैंड। हो सकता है थवल तरफ दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, जो हमारा ये लिमिटेड है। वहाँ पे माँ है, देख सकते हो वो कुछ घास काट रही, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ ताकि कुछ मदद कर सकूँ, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं,
ऐसे आया हूँ। और यहाँ पे देखो ये काट के हम लोग, अगर ये नहीं काटेंगे तो क्या होगा कि जो चूहा होता है ना, चूहा लोग सब काट लेते हैं अपना फसल जितना भी उगाया हुआ है, तो इसलिए ये माँ पर है। माँ माँ घास काट रही है गाय के लिए, रात के लिए चारा डालना पड़ेगा इसलिए, तो मैं भी थोड़ा हेल्प करूँगा और कुछ लेके जाऊँगा, अपने कंधे भी लेके जाऊँगा। माँ को हिंदी नहीं आता इसलिए वो बोल नहीं रही है, अगर हिंदी आता तो हेलो बोल रही थी। मैं गया था यहाँ से तो यहाँ पे ये कुछ ये घर वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी धीरे धीरे से जो ये इलाका है ना, ये तिस्परी बोलते हैं इसको, द वीक नेम इज़ कांगातोमी। कांगातोमी बहुत बहुत बड़ा जगह है, अगर बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ के हिसाब से बड़ा है। और यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे अभी जब मैं घर आया तो ये पूरा डेवलपिंग नहीं है, डेवलपिंग इट इज़ डेवलपिंग स्लोली, इट इज़ डेवलपिंग कि यहाँ पे सिटी होते जा रहा है। आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे घर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे दुकान खोल रहे हैं आदमी लोग। और जो पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले काफ़ी कम था लेकिन अभी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन तो कहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, बस आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मैं जा रहा हूँ फिर घर, और माँ ने भी वो काट लिए गाय के लिए चारा काट लिया, इसको घास बोलते, व्हाट यू कॉल दैट इन इंग्लिश, वी कॉल इट एज घास एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट एज वीट राइट फॉर द एनिमल्स। एंड सो आई एम स्लोली टर्निंग बैक टू होम, एंड आई थॉट दैट, मैं सोच रहा था कि गाय लेने जाऊँ, तो गाय चराने के लिए वहाँ पे रस्सी में बांध के चराने के लिए पापा ने वो नीचे भी लगा दिया है, और मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाऊँ और गाय भी लेके आऊँ, लेकिन पापा ने बोला कि वो खुद ही लेके आएंगे, तो इसलिए। और भाई हार्वेस्टिंग के लिए गया है काम पे, और किसी और के लिए वो किसी और का फसल उठाने के लिए गया है, तो आप देख सकते हैं उधर काट रहे हैं। मैं सारा जूम कर सकूँ, जूम कर दूँगा, यहाँ पे ऐसे काटते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मशीन नहीं लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मशीन का कि फसल ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग को मशीन की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फिलहाल अभी तो आदमी लोग ने शुरू कर लिया मशीन लगाने, ये छोटे छोटे आप देख सकते हो यहाँ पे फसल कटा हुआ है, शायद आज ही कटा हुआ है या कल कटा हुआ है, पता नहीं, हो सकता है आज ही कटा हुआ। ओह छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हो, और आप देख सकते हो द व्यू, और ये पानी। हेलो क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं ना, बस खेल रहे हो। मम्मी पापा कहाँ गए? खेती में है ना। चलो बाय बाय। तो बच्चे लोग को एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने कैमरा नहीं दिखाया था, ऑब्वियसली होता है, सबके होता है, मुझे भी लगता है कि कोई कैमरा लेके घूम रहा है तो अच्छा लगता है ना। तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और बस ऐसे घूमने आया था, काम होता है, काम अपना शेडो जैसे ही है, जहाँ जाओ उधर ही पीछे पीछे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फसल कटाई हो रहा है, इधर लोग बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ थोड़ा काट रहे हैं। दोस्त है, बचपन का ही दोस्त है ये, अभी छुट्टी आया है, ये भी आर्मी है, इंडियन आर्मी, आई सल्यूट। तो यहाँ पर फसल कटाई हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो बढ़िया। ये मनवीर दोस्त, बचपन से उन्होंने साथ में बहुत टाइम गुजारा है। अरे रात घर पानी, तेरे लिए सलूट यार, तू एक हमारा जवान है। तो गाइस, चलो गाइस, इन द कमिंग डेज आई विल मेक वीडियो एज मच एज पॉसिबल इफ आई कैन, एंड बी इन टच विथ यू। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।
कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।